जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना के अंतर्गत कस्टम चेक पोस्ट के पास पेड़ पर लगवाया गया सीसीटीवी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन अवधि में नेपाल से एक भी व्यक्ति को मधुबनी जिले के भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने एवं उक्त के निगरानी के लिए भारत नेपाल सीमा समेत जिले के सभी एंट्री प्वाइंट पर सीसीटीवी लगाए जाने का निर्देश जिलाधिकारी मधुबनी के द्वारा निर्गत है। जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश के आलोक में जयनगर थाना अंतर्गत कस्टम चेक पोस्ट के पास पेड़ पर सीसीटीवी लगवाया गया। उसका मुख्य वजह क्या है? और जो भी शिकायतें मिल रही थी बहुत तरह की गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, पुलिस पदाधिकारी या जो मतलब गंगा अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते, तो इस तरह से ऐसे लोगों पर नियंत्रण भी रखा जा सकेगा और मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि सारे लोगों को सारे जगह लोग प्रॉपर काम करें, ड्यूटी पर उपस्थित रहें और उसकी निगरानी किसी भी कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए जयनगर पट्टी में कम से 5 जगह लगाया गया, उसी तरह से बासपट्टी में 3 जगह पर लगाया गया सीमावर्ती जगह और जो लगनिया है वहाँ भी 5-6 जगह लगाया गया। तो जयनगर के क्षेत्र में है सीमावर्ती रास्ते जहाँ से लोग का आना जाना संभव है दूसरे देशों से, नेपाल देश से